हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर, ये आपके एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये आखिर होता क्या है, तो पहले लिख के दिखाते हैं। देखिए, एक जो इसका जो समीकरण है, वही समीकरण इसका मेन, अगर वही समीकरण लिख देते हैं उसको याद करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर वही समीकरण आप लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए वही समीकरण आपको दिखाता हूँ। लिखिए, पहले हिंदी थोड़ा लिख लीजिए। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच मतलब दोनों के बीच, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि दोनों के अंतर ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध एक समीकरण द्वारा प्राप्त होता है ना। अभी जो बताया मैं आपको जस्ट पहले कि एक समीकरण वही लिख देंगे आपका सही हो जाएगा। समीकरण द्वारा दिखाया जाता है, क्लियर हुआ कि किससे द्वारा दिखाया जाता है, एक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, नर्स समीकरण कहते हैं, जिसे नर्स्ट समीकरण कहते हैं, क्लियर हुआ है आपको। अब देखिए, इसमें जो समीकरण इसका मेन, ये याद कर लेना प्लीज़ इसको। देखिए, हम इसको आपको याद नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है ना, इसको प्लीज़ याद कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो E बराबर क्या होता है, E0 माइनस 2.303 RT बटे NF, ठीक, इनटू लॉग, क्या, लॉग 0x इनटू Y, ठीक, ये O है, इसको बंद कर दो, अपान RET, ठीक। ये क्या होता है, रिडॉक्स, यही होता है, इसको क्या कहते हैं, हम रिडॉक्स कहते हैं, RED जो लिखा है ये रिडॉक्स होता है, ठीक है ना, इसको बंद कर देते हैं। ये आपका हुआ। अब देखिए, इसमें E क्या है, E0 क्या है, सब कुछ बारीकी से समझते हैं। E है आपका इलेक्ट्रोड विभव है, क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, इसको याद करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोड विभव E है आपका। अब क्या बच रहा है, E0 लिख लो। ये है क्या आपका, मानक इलेक्ट्रोड है, मानक इलेक्ट्रोड क्या हुआ, E0, और R क्या होता है, R नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक, इसका मान क्या होता है, 0.0821 नियतांक है, R का मान क्या है, नियतांक है, और इसका मान ये होता है, और T का मान क्या होगा, 25+273, इसको मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, ये वाला अंक अपनी तरफ से ले लिया हूँ मैं, ठीक, तो ये वाला कुछ भी आप ले लेंगे तो आपका मान लिया जाएगा, टी का वैल्यू, ये कुछ भी दे, 20, 30, 40, 50 जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 298, और ये क्या होता है, के होता है, क्लियर हुआ, कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसमें क्या बच रहा है, यन बच रहा है, लिख लो, यन है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से, और क्या बच रहा है, वैसे यफ है फैराडे संख्या होता है, यफ क्या होता है, फैराडे संख्या, इसको भी देख लीजिए, यब क्या है, फैराडे संख्या है, और लिख लीजिए इसको भी, फैराडे संख्या, ये आपका वैल्यू हुआ। और इसका मान भी ध्यान से समझ लीजिए, इसका मान होता है फैराडे संख्या के 96500, यानी कि 96500 फैराडे का मान होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इसको आपको मैं समझा नहीं सकता प्लीज़ यार, सॉरी, क्योंकि और जो भी मैं आपको बताता हूँ क्लास टेंथ और ट्वेल्थ से रिलेटेड, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं।